यही फैसलाबाद की बात है। मैं सुबह निकला, सैर करके वापस आ रहा था, मुझे दूर से एक रेड़ी वाला नजर आया, सफेद दाढ़ी पगड़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आमतौर पर रेड़ी वालों का ये हुलिया नहीं होता है, तो लिहाजा दूर से मेरी नजरों में जच गया। जब मैं करीब से गुजरा तो मैंने फिर उसको ऐसे देखा, तो मैंने देखा वो रो रहा था, ऐसे खामोश आंसू, साज खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, और एक हाथ रेड़ी पर था, एक हाथ पेटी पर था, जो कोई पेटी लाया था, और ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था। तो मैं रुक गया, मैंने कहा बुजुर्गो खैरियत तो है, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उसने पेटी ऐसे उल्टा दी मेरे आगे, तो वो पेटी सेब की थी, उसके ऊपर ऊपर सेब ठीक थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे, तो सारे सेब ऐसे बिखर गए। ये पेटी में सेब भरने वाला न तो वकील है, न तो डॉक्टर है, न तो भुवाने बाजार का ताजर है, न वो सेशन कोर्ट का जज है, न वो कोई डीसीओ है, न वो कोई तहसीलदार है, वो मजदूर है, मजदूर है, गरीब आदमी है, गरीब का जुल्म बता रहा हूं। तो जब सेब बिखरे तो मैं उसको देखूं, सेबों को देखूं, मुझसे कहने लगा, कोई उर्दू स्पीकिंग था, पंजाबी नहीं था, उर्दू, कहने लगा बेटा मैं बहुत गरीब, उसकी बहुत, और जब उसने जोर डाला ना, मैं बहुत गरीब, उन्हें से लगा मैंने किसी ने छुरी से मेरा कलेजा चीर कर रख दिया, मेरे आंसू निकल पड़े, मैं अब रो रहा हूं। इस वाक्य को 30 साल गुजर चुके, बेटा मैं बहुत गरीब, सुबह मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं, शाम तक बिक जाती है, बच्चों के लिए ताजा आटा लेके जाता हूं, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छी, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छी। इसी सेब की पेटी को अब ऊपर तक ले जाओ कि लोग जानों से खेल रहे हैं अपनी इज्जत इकतदार झूठी इज्जतों के लिए, इज्जतों से खेल रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं, हुकूक से खेल रहे हैं। यहां ऐसे जमीर बिकते हैं जैसे भेड़ बकरियां बिकते, यहां ऐसे जबान के बोल बिकते, नहीं कसाइयां को जाओ तो बिछरी दे वे जबान भी आया तो सिर भी आया, यहां ऐसे दिमाग बिकते हैं जैसे बकरे की सिरी बिकती है, ऐसी जबानें बिकती हैं जैसे बकरे की जबान बिकती है, ऐसे जमीर के सौदे होते हैं जैसे भेड़ बकरियों के सौदे होते हैं। अब मेरी जेब खाली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो मैं तो ऐसे सुबह निकला था, मुझे इतना सदमा क्या है कि मेरी जेब में इतने पैसे तो होते थे, बाबे की पेटी जो के पैसे थे उनमें दे ही देंदा, आज तक मुझे ये दुख रुलाता है।